वालेकुम, मैं हूं जुबैर। मैं हूं उस्मान। वेलकम टू डेस्टिनेशन। तो भैया, आज डेस्टिनेशन का पहला व्लॉग है। तो हमने बोला कब क्या बनाए, स्पेशल क्यों अच्छी डेस्टिनेशन पहले व्लॉग में। तो हमने बोला पहला डॉग शो, पहला डॉग शो पे हम और हमारे डॉग शो पे भी हमारी शेडो, ये एक डॉग शो ऑलरेडी जीत चुकी है। तो बड़ा मजेदार डॉग शो, अभी तो कुछ स्टार्ट नहीं, हम बहुत जल्दी आ गए, दो दिन चले गए हैं। आपको जरा थोड़ा डॉग शो दिखाते हैं। पीछे देखा कि कुत्ते भौंकने लग जाते हैं डॉक्टर्स ने दूसरे कुत्तों को देख के। आप उसको टेंशन दे रहे हैं लीश पे, आप लीश खींच रहे हो और आप साथ बोल रहे हैं कि इजी इजी बोलने से कुत्ते आपकी लैंग्वेज नहीं समझते। आप जितना मर्जी इजी बोलो, कुछ कुत्ते इजी नहीं होंगे। चीखेंगे ना कुत्ते पे, यार चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। वो आपकी एनर्जी देखा, आपके वर्ड्स नहीं देख रहा, एनर्जी देख रहा। आपकी एनर्जी कम होगी, कुत्ता कम हो जाएगा। अगर आप चिल्ला रहे हैं तो आप एक वॉयलेंस एनर्जी दे रहे हैं कुत्ते को, एक हाइपर एनर्जी दे रहे हैं, तो वो एनर्जी पुट ऑन होगी। बेसिकली कॉल इट कांगो, माशाल्लाह वेरी गुड। He's a cutie. ये हमारे भाई हैं, आपने इनको हमारे दूसरे चैनल पे देखा होगा, शरुण भाई मॉडर्न मैन से। आप कुत्ते के साथ आ जाते हैं, ये आ जाए देसी डॉग नेशन और दो कुत्तों के साथ। लुल शेडो का नंबर है सेकंड, मतलब पहले टॉय ब्रीड्स होगी, फिर मिक्स ब्रीड्स होंगी, इसमें यूनिक ब्रीड्स डच शेपर्ड पिट बुल चला रही। तो दूसरा नंबर शेडो का है, दूसरे टाइम शेडो आएगी और इंशाल्लाह शायद इसका फर्स्ट है, सेकंड है, हर पार्क भी होगी तो बहुत बड़ी बात है। देखते हैं क्या चल रहा है डॉग शो में। फिर तो बहुत तरह तरह की ब्रीड्स आई हुई है। फन फैक्ट अबाउट पिट बुल्स, क्योंकि यहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे पिट बुल्स हैं, कि पिट बुल्स में बहुत बड़ा गाइस एक मिसकंसेप्शन है कि पिट बुल्स आर अग्रेसिव डॉग्स, कि इंसान अपने मालिक को पड़ जाते हैं। पिटबुल की खासियत, पिटबुल बनाया गया था
एज अ फाइटिंग डॉग पिटबुल है। सो पिटबुल अपने मालिक के साथ बॉयफ्रेंड, हाँ पिटबुल का ये मसला है, ये पूरे सभी पिटबुल के डॉगों ने से पूछ लें, पिटबुल इज़ नॉट फ्रेंडली विद अदर डॉग्स क्योंकि ऑफ कोर्स फाइटिंग ब्रीड है, वो उसका एक चीज में दूसरे डॉग्स पे पड़ना। तो अगर आप पालेंगे अपने पिटबुल से दोस्त अलग टाइप ऑफ डॉग्स, तो प्लीज़ उसके साथ ज़्यादा मतलब कि आपको ध्यान रखना पड़े, उसको सोशलाइज हाल ही आपको दूसरे डॉग्स से कराना चाहिए। अदरवाइज पिटबुल आर वेरी फ्रेंडली डॉग्स, मैंने पर्सनली पिटबुल्स एक दफ़ा रखा हुआ है, इतना ज़्यादा रखा हुआ, बट पिटबुल्स मैंने प्यार किया हुआ, चेक किया हुआ, और पिटबुल्स मेरे खास इंसान के साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं, पिटबुल किया होता है हमारे साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। आखिरकार गाइस मेरा और शेडो का टाइम आ गया, डॉग शो के दिन में हम एंटर हो गए हैं, इधर आप जो देख सकते हैं, बट राइट नाउ आई एम वेटिंग बिकॉज दे आर जजिंग अनदर डॉग, उसके बाद मेरा और शेडो का नंबर है। सो फिलहाल आप सब देख सकते हैं, मैं सिर्फ टेस्ट टू मारा शेडो को ट्रेन करके इतनी मुझे थी उसको दिखाना होता है, उसके बाद जज भी शायद थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाए। अगर आप शेडो को देख सकते हैं कोमली कितनी खूबसूरत लग रही है, ये जो आप डॉग्स देख सकते हैं इसका भी चेक करें, इसका नंबर है, इसके बाद मेरा टाइम है, फिर मुझे मेरे डॉग को चेक करेंगे, शेडो को चेक करेंगे, आप देख सकते हैं डॉग के तीज चेक करें, अच्छा खासा डॉग को चेक करें, बहुत खूबसूरत डॉग है, बहुत प्यारा डॉग है। फाइनली मेरा और शेडो का टाइम आ गया है, अब जज शेडो को चेक करेगा, जज ने मुझे बोला है कि मैं शेडो को वॉक कर सकता हूँ, शेडो को मैं हल्की सी स्पीड में वॉक कर रहा हूँ ताकि जज की चेक कर सके कि शेडो कितनी प्योर है, क्या हेल्थ है, कि उसकी टांगे सही हैं, उसकी स्लोप चेक कर सके, उसका स्टैमिना चेक कर सके। गाइस इस टाइम मैं बहुत नर्वस था क्योंकि मुझे हमेशा मैं नर्वस था जब मैं ड्रिंक में होता हूँ कि क्या होगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बट गाइस बहुत मज़ा आता है। गाइस अभी मेरा एक दो चक्कर रोड लगने, तो मैं फास्ट शावर करते हैं तो क्या आप लोग बोर ना हो। तो मैं वॉक करके वापस आ गया हूँ, अब जब चेक कर रहा है शेडो की बाइट के उसकी टीथ सही है, उसकी फेस सही है, उसकी स्ट्रक्चर चेक कर, उसके पंजे चेक कर रहा है, उसको चेक कर रहा है कितनी प्योर है, क्या सही है, उसका स्टैंस चेक कर रहा है आराम से। और गाइस जैसा अभी आप देख सकते होंगे शेडो वन, शेडो फर्स्ट प्राइज जीत गई है। अब गाइस शेडो जीत गया, तो शेडो की कुछ पिक्स लेंगे ताकि दिखा सके कि मेरा डॉग कितना अच्छा, शेडो कितनी कमाल की है। सो राइट नाउ शेडो इज़ अ मॉडल, तो चलिए देखें आप। ये मेरे हाथ में उन्होंने एक शेडो का सर्टिफिकेट और शेडो का अवार्ड दे दिया फर्स्ट प्राइज का, आई एम रियली हैप्पी गाइस, मेरे को बताएं इसने मैं कितना खुश हूँ, शेडो दो डॉग से जीत चुके पिछला वर्ष, दोनों में फर्स्ट आया, आई एम रियली हैप्पी, आई एम सो प्राउड। क्योंकि मेरा कुछ काम आ गया, तो आई हैव टू लीव, बाकी बाद में देखते हैं। सो गाइस भैया चला गया था, उसके बाद मैं बहुत थका हुआ था, मेरी हाल खराब शेडो थी तो मैं और ब्लॉगिंग नहीं कर सका, और मैं काफ़ी वेट किया, बहुत मज़ा आया डॉग शो में, और शेडो वन द बेस्ट प्राइज गाइस। सो गाइस शेडो फर्स्ट प्राइज जीती है, ये सर्टिफिकेट है और ये उसे ट्रॉफी मिली है, आई एम सो हैप्पी विद शेडो, ये शेडो का दूसरा डॉग शो जिसमें फर्स्ट प्राइज फिर से लिया है, आई एम सो हैप्पी गाइस। और फिर से सॉरी गाइस ये व्लॉग मेरा पहला व्लॉग था, तो गाइस सॉरी मैं बहुत थका हुआ, भैया चला गया, उसका किस्तों नॉर्मल मेरे पास फोन था कुछ। सो गाइस पर कुछ नहीं होता, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हर किसी के साथ शेयर करें गाइस। शेडो सोए भी ऐसे बात सोए, शेडो कहाँ पर मुझे थकी मुझे पूरे डॉग से सो कराइए, मैंने भी कपड़े थे थोड़े से ईजी हो गया, मैं सोचा कोई एंडिंग रिकॉर्ड करूँ, भैया ने फोन करके याद दिलाया, उस बार व्लॉग बनाया मुझे बताओ, चलो मैंने बोला कुछ नहीं एंडिंग बना लेते हैं, कुछ नहीं होता गाइस, अगला व्लॉग इससे अच्छा होगा। सो अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब टू डिस इन्फॉर्मेशन।